कल देर शाम जदों मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने जथेदार अकाल तख्त यानी हरप्रीत सिंह दे अल्टीमेटम दा ट्वीट राही जवाब दिता, उस तो बाद जथेदार अकाल तख्त ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने ये दसिया कि जेडे धार्मिक लोग ने वो अक्सर ही सियासी आगुआं दीआं गल्लां विच आ जांदे ने, उन्हां दे अनुसार काम करन लग पैंदे ने, पर निर्दोष ते बेदोशे सिखां नूं जिहड़ा टारगेट किया जा रहा अमृतपाल दे केस तो बाद उन्हां दे उत्ते जिहड़ी है वो नरमी वरतनी चाहीदी है, उन्हां नूं जिहड़ा है वो रिहा कर देना चाहीदा है। हालांकि भगवंत मान सरकार बार बार ये गल कह चुकी है कि जिहड़े बेदोशे ते निर्दोष सिख ने उन्हां नूं केवल इनवैसटीगेशन लई ही थाणियां दे विच जां हवालात च रख्या गया, उन्हां नूं NSA या इदां दे होर कानूनां तहत नहीं नज़रबंद किया गया, केवल इनवैसटीगेशन लई ओह नज़रबंद ने ते उन्हां नूं रिहा कर दिता जाएगा और वह रिहा किए भी जा रहे हैं। पर इस सब दे विच सुखबीर बादल साबका डिप्टी मुख्यमंत्री पंजाब का भी ट्वीट आ गया। वह कहिंदे ने भगवंत मान जी तुसी जिहड़ा है वह सिखां दी जिहड़ी पार्लीमेंट जिन्हों आप अकाल तख्त कहने या धार्मिक आगू कहने उन्हां उत्ते तुसी जिहड़ा है वह टिप्पणी ना करो, ये नतीजे जिहड़े आ वह माड़े भुगतने पैणगे। हुणे तीनों जिहड़े आगू ने मुख आगू ने पंजाब दे जथेदार अकाल तख्त सुखबीर बादल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ये ट्वीटो ट्वीटी हो गए शाम को, ये आपस दे विच एक दूसरे को जवाब दे रहे ने। सुखबीर बादल का यह कहना है कि तुसी धार्मिक आगुआं नू ना टारगेट करो, जबकि सुखबीर बादल और श्रोमणी अकाली दल बादल दे ये इल्जाम लगते रहे ने कि वो SGPC नू कंट्रोल करते ने, वो जथेदार अकाल तख्त कोई भी होवे उन्हां नू कंट्रोल करते ने, उन्हां तो अपनी मर्जी के जिहड़े फैसले ने कराउंदे ने, उन्हां तो अपनी मर्जी के मुताबक जिहड़े बयान दवाउंदे ने। दूजे पासे भगवंत मान हुणां ने कहा कि अगर जथेदार अकाल तख्त ने कोई अल्टीमेटम देना सीगा तो वह ये अल्टीमेटम देंदे कि बेअदबी के केसा के उत्ते या जिहड़े साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के सरूप गायब ने उन्हां दा भाल वास्ते अगर कोई अल्टीमेटम देंदे कि उन्हां दी भाल की जाए जिहदे ते इल्जाम लगे समय समय ते इल्जाम लगते रहे कि जिहड़े सरूप सीगे वह गायब होए तो श्रोमणी कमेटी ने उहदे उत्ते कार्रवाई नहीं की। बहरहाल ये सब जिहड़ा ये सोशल मीडिया से ट्वीट टू ट्वीटी होण दा सिलसिला चलिया, इहदे विच हर बंदा अपना पक्ष पूरदा नज़र आया। जथेदार अकाल तख्त सिखां दी नुमाइंदगी करते ने, सिख कौम की नुमाइंदगी करते ने, वो जथेदार अकाल तख्त ने, भावें वह कार्यकारी जथेदार ने, पर क्योंकि वह जथेदार अकाल तख्त ने, अकाल तख्त नूं सिखां दी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता तो उतों कोई भी फैसला जारी करन ते वो हर सिख जिहड़ा है उहनूं सिर मत्थे लैंदा। पर एक वहीर कढ़न दा उन्होंने कहा सीगा जी वहीर कढ़ी जाएगी जे अमृतपाल नूं 24 घंटिआं तों बाद ना पेश कीता गया, वह नहीं कोई इहो जिहा देखण नूं मिलिया। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े ने उन्हां दा एक जवाब आ गया, ट्वीट आ गया कि अगर तुसी ये अल्टीमेटम गायब होए गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूपां बारे दिंदे तां ज़्यादा बेहतर हुंदा। सुखबीर बादल साबका डिप्टी मुख्यमंत्री पंजाब उन्हां दा ट्वीट आ गया कि धार्मिक आगुआं दे जिहड़े सोशल अकाउंट्स ने उन्हां नूं ना बंद कीता जावे, उन्हां नाल ना छेड़छाड़ की जावे, उन्हां नूं इंडिपेंडेंट रहण दिता जावे तां जो वह अपना स्नेहा जां जो अपनी गल करना चाहुंदे आ करन दे। बहरहाल पंजाब दे विच जिहड़े ने नौजवान उन्हां नूं रिहा किया जा रहा इन्वेस्टिगेशन तो बाद, पंजाब के हालात जिहड़े ने फिलहाल सुखावे ने। हालांकि अमृतपाल गिरफ्त तो बाहर है, कल रात उन्हूं फगवाड़ा हुशियारपुर रोड के कोल भी किसी पिंड देखा गया जिथे दस्या गड्डी छड्ड के भज गया, उहदी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहरहाल पंजाब के हालात बड़े सुखावे ने, कोई अजिही घटना नहीं है। पर इस सब दे विच जिहड़े राजनीतिक आगू ने एक दूसरे नूं ट्वीट राही ताने मिणे दे रहे ने, अपनियां सियासियां रोटियां सेक रहे ने कह सकते हैं, पर इन्हां नूं अजिहे तों ग्रेज़ करना चाहीदा। पंजाब दे हालात
इन्हां ट्वीट्स नाल इन्हां दी बयानबाजी नाल विगड़ सकते ने। कोई भी एक वर्ग जिहड़ा है वो अगां आ सकता है, वो चाहे सिख वर्ग होवे, चाहे वो कोई पोलिटिकल जिहड़ा है वर्ग होवे। इन्हां सब चीज़ां तो फिलहाल जो हालात ने उन्हां दे मद्देनज़र सारियां नूं ग्रेस करना चाहिए। Subscribe to One India channel and never miss an update.